हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इसमें जो स्टेरिन मोहतरा का क्वेश्चन है, ठीक है, उनको लगाने वाले हैं इसमें। देखिए, तो बेसिकली देखिए, इससे पहले हम लोग बेसिक वीडियो देख चुके हैं, अभी उनका न्यूमेरिकल वन बाय वन लगाने वाले हैं। तो इससे पहले न्यूमेरिकल अगर आपको, देखिए, इसको देखने से पहले एक बार आप बेसिक वीडियो जरूर देख लें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि इनमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनसे आप वेल अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको इसको इजीली वे में लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी आपके लिए। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है पहली बात। तो इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन, अ पर्सन विथ मायोपिक आइज इज नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 3 मीटर। एक आदमी है जिसके आंख में मायोपिया है। मायोपिया के बारे में आपको पता है, DM है ना, ऐसे ध्यान रखना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मायोपिया में होता है, मतलब दूर की वस्तु को ये नहीं देख पाएगा, ठीक है, मायोपिया में ऐसा है। इसका जो मतलब दे रखा है, फार पॉइंट है, दैट इज बियॉन्ड 3 मीटर है, मतलब 3 मीटर के बाहर वो नहीं देख पाता, ठीक है। यहाँ से डिटरमाइन द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस। देखिए, इससे पहले आपको बताया था कि मायोपिया में जो आप लगाते हैं कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है, पूरा क्लियर है। इसमें बेसिक वीडियो देख सकते हैं या फिर पूरा इसका चैप्टर डाला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो वो भी आप देख सकते हैं देखना चाहे तो। इसका हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो हमें दे रखा है एक मायोपिक आइस है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये जो इमेज बनेगा रेटिना पे, है ना, तो ये रेटिना पे नहीं बनता है, रीजन क्या है, ये आगे बन जाता है ना। इसका जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो ये मतलब लेंस होता है, ये आई का जो आई बॉल है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इस वजह से जो इसका कन्वर्जिंग होता है लेंस का थोड़ा आगे हो जाता है रेटिना से। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको यहाँ से दूर ले जाने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे लेंस, कनकेव लेंस, है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए, है ना, तो सीधी सी बात है, हम करेक्शन के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको थोड़ा डायग्राम को फिर क्लियर देख लेते हैं। तो ये तो पहला केस में था, है ना, तो इस केसेस को हटा लेते हैं एक बार, है ना। तो हम इसको इसमें डायग्राम को देखने के लिए ये पूरा केस हटा लेते हैं पहले। तो ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक आइस है, इसमें हमने क्या करा, लेंस लगा दिया, आई लेंस, और उसके बाद हम यहाँ से रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कनकेव लेंस लगाने के बाद। तो ये जो आइस का जाएगा रे, ये डाइवर्ट होकर यहाँ तक जाएगा ना, और ये रे ऐसे गया तो डाइवर्ट होकर यहाँ तक जाएगा, और ये फिर कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से कन्वर्ज करेगा ये, यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा। अच्छा, रेटिना पे कन्वर्ज हो गया तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, वी गेट द वैल्यू हियर। हमें दो तीन चीज़ें तो आसानी से मिल जाता है, क्या कि सबसे पहली बात, इसका जो पावर है कितना दूर तक ये लगा पाएगा इन, ये जो मायोपिया होता है, ठीक है, इसमें आप समझिएगा, मायोपिया में एक आदमी जो है दूर का वस्तु नहीं देखता है, तो उसको देखना कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, है ना। तो यू क्या लेना है, माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ तक इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट का इमेज जो है 3 मीटर के अंदर अगर बन जाए, है ना, 3 मीटर के अंदर, तो इसको क्लियरली देख लेगा, ठीक है, आई से। तो इसका जो वी होगा दैट इज माइनस का 3 होगा, ये बात आपको पता है। तो देखिए, वी जो है ये इसी साइड बनेगा, यहाँ से अगर आप लीजिएगा ना, यहाँ से इस तरीके से जब भी आप इसमें इमेज का लोकेशन देखिएगा तो वो इधर बनेगा, इधर दैट विल बी लेंस, इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये बात। वैसे भी आपको पता है कि कनकेव में जो वी बनता है दैट इज़ नेगेटिव होता है, तो ये पहले से भी आपको ये बात पता होगा यहाँ से। तो चलिए ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट। हमें एफ फाइंड करने हैं, है ना। एफ फाइंड करने के लिए हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें लेंस फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। तो एफ फाइंड कर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 मीटर दे रखा है वी के बारे में, ना, तो 1/F = 1/3, मैं अच्छा यू इन्फिनिटी है, तो यू इन्फिनिटी रखने के लिए क्या होगा, 1/∞। इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, 1/∞ दैट इज 0, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/F = कितना हो गया, 1/3, है ना, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से जो इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, ये यू आपको यहाँ पे भी जो है माइनस होता 3, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आप इसको माइनस में रख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/F - 3 हो गया, तो देयरफॉर एफ कितना होगा, F = -3। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है, ये मीटर में आपको ध्यान रखना। नाउ लेट अस अज्यूम दैट वी आर गिवन दैट F = -3, सो वी कैन फाइंड व्हाट हियर, वी कैन फाइंड पावर। पावर होता है 1/focal length, है ना, 1/F। तो ये हो गया आपको 1/F, तो क्या करना है, 1/-3,
1/3 कितना होगा यहाँ पे 0. है ना 0.3 है ना, तो 3 3 आते रहेगा तो 0.3 कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो 0.33 दो डिजिट में हम रखें तो ये आ जाएगा। तो पावर जो होगा यहाँ पे है ना, सो पावर इक्वल टू पी इक्वल टू 0.33 टाइप है ना माइनस में, तो इसका पावर हो गया है ना ऑफ दिस लाइन्स। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। माइपिया में यू नेगेटिव हमको देखना, क्योंकि इन्फिनिटी तक देखना होता है किसी आदमी को तो यू नेगेटिव इन्फिनिटी लेना है। भी कहाँ तक इमेज बना देगा, काम चलेगा माइनस का 3 तक में, ये दे रखा है ना। उसके बाद इसका हमको लेंस फॉर्मूला से एफ निकल गया, एफ निकल गया तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं, और पी निकल गया तो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस तो ये वाला हो गया कन्वेक्स लेंस, और रखा कहाँ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा गया 4.5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब एच ओ जो दे रखा है ये 4.5 सेंटीमीटर की बात कर रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, तो यू हो गया आपको माइनस का 20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। ओके, आगे दे रखा है यहाँ पे फोकस, ये फोकल लेंथ जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, एफ हो गया यहाँ पे, तो एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है कि द इमेज जो होगा यहाँ पे पूछा गया है द पोजिशन है ना, नेचर और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। इनकी बातें के लिए आपको सबसे पहली बात क्या क्या क्वेश्चन में जो दे रखा है उनको हम समझते हैं, तो क्या क्या हमें मिल गया। सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, दूसरा बात क्या रखा है यहाँ पे कि फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा लेंस कन्वेक्स है, ध्यान रखना आपको कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, ये यहाँ से तो एफ पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात यू दे रखा है यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आगे हमको क्वेश्चन में दे रखा है ये सारी चीज़, तो कंडीशन हमें मिल जाते हैं, हमें निकालने हैं भी निकलेगा तभी कुछ कंडीशन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भी निकालेंगे लिए आपको पता है फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इक्वल टू सॉरी 1/v माइनस का 1/u होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में प्लस यू होता है और लेंस में माइनस यू होता है। ओके, अच्छा इसका डेरिवेशन भी दे रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन बाई NS क्लासेस पूर्णिया या फिर नवनीत प्रेम करके सर्च कर सकते हैं, NAVNIT प्रेम, ये आप स्पेलिंग देना तो आपको ये मिरर फॉर्मूला का या लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका देखना चाहे आप देख सकते हो वहाँ पे। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये चीज़ आ गया। अब सारे वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाँ दैट इज टू अस 1/12, तो 1/12 इक्वल टू 1/v, ये तो पता नहीं है, 1/u की बात करें तो 1/ ये माइनस का 20 हो गया। ठीक है, तो u जो माइनस का 20 में आ रहा है, सिंपली हम इसको कह सकते हैं दैट इज व्हाट, कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो 1/12 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20, ये 20 इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 1/12 माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो इनको हम अगर सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो 20 एंड 12 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, एंड 60 दैट इज 5 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1/v। इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस देन वॉट वी नीड टू डू है, 5 - 3 दैट इज 2 एंड 60 इक्वल टू 1/v, दैट विल बी कैंसिल 1/30। इफ यू डू इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन वी विल बी इक्वल टू 30। तो भी का जो वैल्यू आ गया हमको 30 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कहाँ बनेगा इमेज, 30 सेंटीमीटर पर। देखिए जब भी पॉजिटिव आता है तो कैसा बनता है, रियल बनता है, ये लेंस के लिए। ठीक है, और मिरर के लिए होता है भी पॉजिटिव तो वर्चुअल बनता, तो सिंपल से बात है यहाँ पे, ये आपको देखना है। तो भी कितना हो गया आपको यहाँ पे 30, दैट इज रियल इमेज होगा। अच्छा, एक बात और पूछा गया हमें यहाँ पे कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन एच आई अपन एच ओ होता है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो दैट इज एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये एच आई अपन एच ओ इक्वल टू माइनस का बी अपन यू है, ये फॉर्मूला यहाँ से पूरा लगाना है। तो एच आई तो हमें पता नहीं था, लेकिन एच ओ पता 4.5 है ना,
अच्छा इक्वल टू यहाँ से माइनस का बी, तो माइनस का 30 आ गया बी, एंड यू पता है हमको माइनस का 20, ये कट जाएगा, 0 0 कटेगा यहाँ से। तो एच आई इक्वल टू हो गया आपको यहाँ से 1.5 है ना, क्योंकि देखिए 3/2 1.5 होगा और ये 4.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर लेना हम, तो यहाँ से आ जाएगा 15/5 या 75, और के डी हो गया 7, 60 + 7 = 67 है, तो दैट इज 6.67 यहाँ से आएगा, सॉरी 6.75। तो ये आ गया सी एम, तो दैट इज व्हाट हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर एंड वी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज रियल है ना। दो हमें आंसर मिल गया, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रखा है, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई कनकेव लेंस, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना, तो ये कनकेव लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, मतलब क्या रखा ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। अब पूछा व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है, तो ये सारे वैल्यू को हम एक साथ देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम जो क्वेश्चन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात हो गया हमको यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में, तो एफ दे रखा है यहाँ पे दैट इज माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि लेंस क्या कनकेव है, कनकेव लेंस आपको पता होगा कैसा होता है, कनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा इधर ही होता है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा नहीं तो इधर आएगा, ठीक है, फोकल लेंथ, तो ये निगेटिव हो जाता है, इसलिए तो एफ हो गया आपको निगेटिव में, ठीक है। दूसरी बात अगर क्या रखा है यहाँ पे, ये जो इमेजेज बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया यहाँ पे फोकस, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्या था ऑब्जेक्ट में, हाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया, यू हो गया आपको यहाँ पे माइनस का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यू आपको देख पता है ऑलवेज निगेटिव होता है, इस वजह से यू हमें माइनस 5 लेना पड़ा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, एम इक्वल टू वॉट, देखिए एम को लाने से पहले हमको पता होगा यहाँ पे कि हमें एफ पता है यू पता है ना एम के बारे में ये डाटा, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज फाइंड कर लेते हैं 1/f = 1/b - 1/u, तभी तो एम आएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u, तो एफ के बारे में पता है क्या 1/-15 है ना, इक्वल टू 1/b, अच्छा माइनस का 1/u होगा, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो 1/-5 है ना, तो इससे क्या होगा कट जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/b + 1/5, ये 5 इधर आएगा, तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/5, सॉरी माइनस का 1/5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था उधर इधर माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस का 1/5 इक्वल टू 1/b। अच्छा तो 15 और 5 का जो एलसीएम होगा यहाँ पे कितना आने वाला एलसीएम, दैट इज 15 आएगा है ना यहाँ पे, तो माइनस का 1 - 3 इक्वल टू 1/b, तो माइनस का 4/15 इक्वल टू 1/b है ना, बी कितना होगा कॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एयर फोर बी इक्वल टू आ जाएगा, उसको उल्टा देते हैं तो 15/4 आ जाएगा माइनस में, बी दैट इज इक्वल टू माइनस में 15/4 ये आ गया। बी माइनस का मतलब क्या है कि इमेज जो बनेगा यहाँ पे क्या बनने वाला है, आप थोड़ा गैस कीजिए, वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि देखिए वी निगेटिव जब आएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ये लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर में ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो बी निगेटिव मतलब रियल इमेज, सॉरी वी निगेटिव मतलब वर्चुअल, उल्टा बोलते क्या हम, तो वी निगेटिव मतलब क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि जब भी आपको पता होगा कि वी निगेटिव होगा तो इमेजेस बनेंगे इस साइड में यहाँ पे, तो इमेजेस इधर बनेंगे, ठीक है, तो इधर का इमेज जब भी बनेगा तो वो वर्चुअल होता है, इधर का इमेज जब भी होता है तो वो रियल होता है यहाँ से, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा दैट विल बी वर्चुअल, इस साइड वाला रियल। अच्छा हमको पूछा कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए होता है दैट इज माइनस का बी अपन यू, माइनस पता है बी कितना है? आपको पता चला बी आ गया माइनस का 15/4, तो माइनस का 15/4 है ना, और यू की बात करें यू कितना है, तो दैट इज माइनस 5,
तो यू हो गया माइनस फाइव, तो डिवाइड करना मतलब वन बाय माइनस फाइव लगा दीजिए यहाँ से आ जाएगा। डिवाइड मतलब क्या, फाइव को डिवाइड कर लीजिए तो मल्टीप्लाई वन बाय फाइव ही होगा, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, फाइव थ्री या फिफ्टीन, तो माइनस का आ गया थ्री बाई फोर, ठीक है यहाँ से ओके। तो अच्छा वी भी निगेटिव में था और यू भी निगेटिव में था, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और दोनों का बाहर से एक और माइनस, तो एम जो है यहाँ पे आ गया दैट इज माइनस थ्री बाई फोर, मतलब सॉरी एम जो है यहाँ पे वी बाई यू होता है लेंस के लिए, ठीक है आपको ध्यान रखना है लेंस के लिए एम इक्वल टू प्लस का वी बाई यू होता है, ये पता नहीं क्यों आज मिस हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको फोर लेंस, तो लेंस के लिए एम प्लस वी बाई यू होगा ठीक है, और मिरर के लिए माइनस वी बाई यू होता है, इसलिए हमको ये थोड़ा सा आइडिया आ रहा था कि माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंस का मैग्नीफिकेशन जो होता है रियल मतलब वर्चुअल के लिए प्लस रियल के लिए माइनस, ठीक है सेम वही चीज़ आता है जो आपको मिरर का मैग्नीफिकेशन आता है, रियल के लिए मतलब उसमें माइनस होता है और वर्चुअल के लिए प्लस आता है, और ठीक मिरर में भी वही होता है और लेंस में भी होता है। एम नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एम नेगेटिव मतलब होगा आपको सिंपल से बात है रियल है ना, और एम पॉजिटिव का मतलब सिंपल से बात है वर्चुअल, चाहे केस लेंस का हो या मिरर का हो, ठीक है आपको ये ध्यान रखना है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माइनस बी अपन यू, तो थ्री बाई फोर मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव आएगा ठीक है, ये काटने के बाद तो यहाँ से एम क्या आ गया आपको जीरो पॉइंट सेवन फाइव, तो इसका मैग्नीफिकेशन पूछा गया था तो दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव, और इसका साइन देख के बता सकते हैं दैट विल बी वर्चुअल इमेज ठीक है, और वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है ना, और देखिए वन से छोटा आ रहा है ना, ये जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन से छोटा, तो वन से छोटा जब भी आपको बोले थे मैग्नीफिकेशन वन से छोटा होगा ठीक है, तो हमेशा क्या होता है डायमिनिस्ट ऑब्जेक्ट डायमिनिस्ट इमेज बनता है छोटा इमेज, और एम जब भी क्या होगा बड़ा होगा वन से तो ये मैग्नीफाइड होगा ठीक है, क्या होगा मैग्नीफाइड। अच्छा जब वन के बराबर होगा तब क्या होगा, एम इक्वल टू अगर वन हो गया तब, तो एक बात रखना आपको याद कि ऑब्जेक्ट तब तो यहाँ पे सी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ सी पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा वो भी सी पे ही बनेगा, मतलब टू एफ, सी का मतलब क्या गया टू एफ है ना लेंस की बात करें तो। अच्छा एक बात ये मिल गया सी पे रखा गया है, तो मतलब सेम साइज का एम का एम वन का मतलब सेम साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज है ना, तो सेम साइज होता है इसका मतलब ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो एन इमेज मैग्नीफाइड टू टाइम्स है ना, तो यहाँ पे कह रखा है कि ये ऐसा जरूरत होता है कि इमेज को मैग्नीफाइड दो टाइम बनाने के लिए ऑन एन स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर दी ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन कह रखा है कि स्क्रीन को रखा गया ऑन एन स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो स्क्रीन को है ना कितना दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट से छः सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो इसको हम थोड़ा तो समझते हैं कि बात क्या गया यहाँ पे कौन से लेंसेज की, तो इसमें जो लेंस है यहाँ पे दिया हुआ दैट इज ठीक है, तो इसमें जो लेंसेज दिया हुआ यहाँ पे सिंपल से बात है कि जब भी कोई कॉनकेव लेंस होगा ठीक है तो वो तो सीधे वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो ये लेंस जो है रियल की बात है स्क्रीन की बात करें तो रियल तभी बनेगा स्क्रीन पे जब लेंस कौन सा कन्वेक्स हो ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से छः सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया स्क्रीन को, तो ये हो गया स्क्रीन मान लेते हैं यहाँ पे, तभी तो बनेगा रियल और मैग्नीफाइड इमेज ठीक है, रियल इमेज तभी बन सकता है ओके, तो मैग्नीफाइड टू टाइम्स है, तो जब भी रियल इमेज की बात कर रहा है स्क्रीन पे बन रहा है मैग्नीफाइड टू टाइम्स, तो एम माइनस टू हो गया है ना ओके, स्क्रीन पे रखा गया है ना छः सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो एक और बात है दैट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये छः सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए यू हो गया है ना यहाँ से यहाँ तक और ये वी हो गया, तो यू प्लस वी सिक्स सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस का यू प्लस का भी है ना, ये भी प्लस में हो गया यू माइनस में हो गया कितना हो गया छः सेंटीमीटर, तो ये हो गया सिक्स। आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू वी बाई यू लेंस के लिए ठीक है, तो लेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं दैट इज
पी अपन यू इक्वल टू माइनस का टू, तो बी इक्वल टू हो गया माइनस का टू यू। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन वन में, इसको मान दैट इज वन एंड इट इज टू, तो यहाँ से हो गया फ्रॉम वन एंड टू, मतलब सीधे से बात टू का वैल्यू वन में रखते हैं, तो माइनस का यू और बी की जगह भी रख देते हैं माइनस का टू यू इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से हो गया कितना दैट इज थ्री यू, माइनस का थ्री यू इक्वल टू सिक्स, तो यू कितना हो गया सिक्स का माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, है ना। तो यहाँ से अगर बात कर ले तो दैट इज ये हो गया मेरे पास यू माइनस टू, है ना। ओके, तो यू अगर मेरे पास माइनस टू आ रहा है यहाँ पे, यू इज कमिंग हेयर माइनस टू यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बी निकाल सकते हैं, तो बी को लो कितना हो गया माइनस का टू इंटू माइनस का टू फोर, तो बी हो गया यहाँ पे फोर, यू हो गया यहाँ पे माइनस टू, ये वैल्यू आपको पता है यहाँ तक। हमें चाहिए यहाँ पे एफ, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो एफ की अगर बात कर ले तो एफ क्या होगा, तो एफ के लिए हमें मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट वन बाय बी माइनस का वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, है ना। तो ये हो गया, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, वन बाय बी तो पता नहीं है ना, सॉरी वन बाय बी तो पता है वन बाय फोर है, माइनस का वन बाय यू, तो वन बाय यू मतलब वन बाय माइनस का टू, वन बाय एफ आ गया यहाँ तक, है ना। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेना तो वन बाय फोर माइनस का माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन बाय एफ, तो इसका एलसीएम होगा वन बाय फोर एंड टू का एलसीएम टू होगा, सॉरी फोर होगा, तो वन प्लस टू इक्वल टू वन बाय एफ, है ना। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए एफ इक्वल टू जो आएगा आपको वैल्यू, है ना, पहले वन बाय एफ लिख लेते, वन बाय एफ इक्वल टू आएगा थ्री बाय फोर, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू होगा फोर बाय थ्री, तो फोकल लेंथ जो आएगा यहाँ पे फोर बाय थ्री आएगा, ठीक है, लेंस का, तो लेंस का जो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो है एफ पॉजिटिव होता है, तो लेंस इज पॉजिटिव एंड एफ इक्वल टू फोर बाय थ्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस शुड बी द आंसर, इसमें शायद आंसर में मिस है कुछ दिया हुआ जो है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है दैट इज गिवन टू अस 12 सेंटीमीटर, है ना, एंड कन्वेक्स, तो इसमें आंसर में कुछ मिस है। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या रखा है, अ रियल इमेज एग्जैक्टली वन फिफ्थ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो इसमें जो गिवन क्वांटिटी क्या क्या है समझते हैं। पहली बात तो है एम इक्वल टू वन फिफ्थ, है ना, साइज है, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ रियल इमेज एग्जैक्टली वन फिफ्थ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये हो गया आपको यहाँ से इमेज की बात क्या है, एम हो गया वन बाय फाइव एंड इमेज जो फॉर्म हो रहा है कितना पे, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर पर हो रहा है, ठीक है, ये बात कह रखा है। तो इसको समझते हैं, पहली बात क्या है इसमें, यहाँ से हमें कुछ कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। एम कितना दे रखा, अच्छा रियल की बात करते, जब भी वन बाय फाइव माइनस में आएगा, ठीक है, एम निगेटिव होता है रियल के लिए। ओके, दूसरी बात हमको कह रखा है यहाँ पे कि जो वी है दैट इज 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, वी पॉजिटिव में क्यों आ गया, क्योंकि ये रियल जब भी बनेगा तो वी पॉजिटिव होगा किसके लिए, ठीक है, वी पॉजिटिव होगा यहाँ से रियल के लिए, लेंस हम पढ़े आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे एफ पूछा गया एफ क्या होगा, तो एफ के लिए आपको पता है यहाँ पे एम इक्वल टू पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई यू इक्वल टू, तो एम के बारे में पता है एम क्या है हमें, माइनस का वन बाय फाइव इक्वल टू बी कितना 18, यू तो पता ही नहीं, तो यू इक्वल टू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यू इक्वल टू होगा आपको 90 माइनस का सेंटीमीटर, यू 90 मिल गया, वी 18 मिल गया, इस तरीके से आप एफ निकाल सकते हैं यहाँ पे, ना, तो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय बी माइनस का वन बाय यू, सॉरी ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला ये होगा क्योंकि लेंस फॉर्मूला ही लगाना है यहाँ पे, तो वन बाय एफ का वैल्यू तो पता नहीं, वन बाय बी हमें पता है कितना होगा, वन बाय बी दैट इज 18, ठीक है, यहाँ से 18 एंड यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये हो गया प्लस, है ना, माइनस और माइनस,
वन बाई नाइन्टी है ना, तो ये आपको प्लस में आ जाएगा क्योंकि यू 90 है माइनस का, तो यहाँ पुट कर दिया। तो वन बाई एफ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, वन बाई टी प्लस का वन बाई नाइन्टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 90 आएगा यहाँ पे, 5 प्लस 1 है ना, तो 6 बाई 90, 6 बाई 90 कट जाएगा, तो दैट इज 1 बाई 15 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यू कैन फाइंड हेयर 1/f = 1/15। और अगर f चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये आगे आपको पॉजिटिव में ही आएगा f 15 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव का मतलब लेंस कौन सा, कन्वेक्स है, ठीक है, लेंस कन्वेक्स है, f आ गया पॉजिटिव में। तो हमें पूछा ही गया था फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का, तो यू विल गेट द आंसर हियर f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 6 में कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो एक कन्वेक्स लेंस पूछा गया है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कन्वेक्स लेंस के बारे में आपको एक बात पता होगा कि कन्वेक्स लेंस का एफ जो होता है दैट ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो हमें एफ कितना आ गया यहाँ पे, 150 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको पता है कि पावर निकालना है तो आपको पहले हम निकालेंगे मीटर में, तो 150 बाय 100 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, 0 0 कर गया तो दैट इज कितना हो गया, 15 बाय 10। तो चाहे तो आप काट सकते हैं कितना, 5 से कितना होगा ये, 5 से कटने के बाद 3 बाय 2, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, तो 3/2 मीटर आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो पावर की बात करें तो पावर होता है 1/f, फिर 1/f मतलब इसका ठीक है ये उलट जाएगा, ये है ना उलट जाएगा, मतलब 2/3 होगा, तो ये 0.6 आएगा। ठीक है, 0.6 आगे और चाहे तो 6-7 लगा सकते हैं क्योंकि 6-6 चलते रहेगा बार बार, तो दैट इज 6-7। तो पावर इक्वल टू हो गया प्लस का 0.67 डायोप्टर, है ना, तो ये पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, ये पहले आपको बता चुके हैं। ओके, तो जो पावर होगा लेंस का दैट इज 0.67 डायोप्टर होगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है 7 में, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अ लॉन्ग साइडेडनेस पर्सन हैज अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 40 सेंटीमीटर। अब बात देखिए क्या होता है, लॉन्ग साइडेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, इस आदमी को नज़दीक वस्तु नहीं दिख रहा है, कितना तक, 40 तक है ना कह रखा है यहाँ पे, जो है ऑब्जेक्ट मतलब इसको इमेज मतलब 40 तक जो है क्लियरली। देखिए लॉन्ग साइडेडनेस का मतलब क्या होता है, एक बात आपको पता होगा कि ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें ठीक है नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है, दूर का दिखता है लेकिन नज़दीक नहीं दिखता है, कितना नज़दीक, 40 से नीचे नहीं दिख रहा है इसको, ठीक है, ये बात कह रखा है। तो फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज टू करेक्ट रीड द बुक 20 सेंटीमीटर। इसको देखना है 20 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट तक को देखना है, तो चलिए वो तो बात अलग की है, 20 तक देखेगा, ठीक है, यूजिंग स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स कौन से यूज करें इसकी भी बात हम कर लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं, तो मान लेते हैं हम मेरे पास एक आईज है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक है ना, जिसमें जो ये नज़दीक वस्तु नहीं दिख पाता है, इसको देखना कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर का इसको दूरी पर किताब पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात, इसके पास जो आईज है, इस आईज में यहाँ से हम फोकल लेंथ की बात करेंगे, दे विल बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा दूर पे बाहर जाके कन्वर्ज होता है, इसको नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, तो ताकि ये जो रे है और थोड़ा सा नीचे जाके
और यहाँ पे तक कहीं वर्चुअल इमेज फॉर्म कर ले। तो सिंपल सी बात है, इसका जो इमेज है नज़दीक का वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो ये देख पाता है। तो इसको देखना कितना दूर है, एक्चुअली इस आँख में जो डिफेक्ट है दैट इज़ फ्रॉम 40 सेंटीमीटर, है कितना दूरी पर है इसको, तो ये देखना चाह रहा है 20 तक देखना चाह रहा है, मतलब किताब जो पढ़ेगा 20 सेंटीमीटर पर रख के, तो यू कितना हो चीज का, यू होगा 20, है ना, ये हो गया, इसको इतना तक नज़दीक इतना देखना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करना है, वी की बात करें तो कहाँ तक इमेज बना देगा, जो नज़दीक में 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उससे दूरी बना देगा, तो 40 सेंटीमीटर तक ये जो है देख पाता है, 40 तक से बाहर देख पाता है। तो इसका जो इमेज बनेगा ये 40 तक देख पाएगा, 40 से बाहर अगर बन जाए जस्ट 40 तक में तो ये देख पाएगा। तो भी कितना हो चाहिए, दट शुड भी माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी साइड बनेगा वर्चुअल, दट इज माइनस 40। ओके, यू मिल गया, भी मिल गया, हमें निकालना एफ। तो वी यूज लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो ये पता आपको लेंस फॉर्मूला है के, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते यहाँ पे, तो 1/f के बारे में तो कुछ पता नहीं है, 1/v दैट इज 1/40 माइनस में ना, और माइनस का 1/u माइनस का 1/20, ठीक है यहाँ से। तो इसको अगर हम फॉर्मेट फॉर्म कर ले सॉल्व करके, 1/f = हो गया माइनस का 1/40, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 1/20। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 40 माइनस का 1 प्लस का 2, सॉल्व करने के बाद ये तो दैट इज माइनस का ये 2 1/40 होगा, ठीक है। तो 1/f = 1/40, तो एफ कितना 40 आ गया यहाँ पे, तो एफ आ गया 40 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ रहा है 40, तो कौन सा लेंस होगा, दैट इज कन्वेक्स। तो होंगे सिंपल से बात है यहाँ पे कि जो है एफ यहाँ पे दैट शुड बी, जो एफ है यहाँ पे दैट कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको देखिए सबसे पहली बात मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्लियरली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ समझ में आएगा। तो इससे पहले आप हम पढ़ा चुके हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, आप उसको क्लियर पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक हम सेंड कर देंगे, ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए कंप्लीट, आप उसको देख लीजिए वीडियो को प्लीज़, तब आपको ये चीज़ समझ में अच्छे तरीके से आएगा कि ये सवाल बनता है कैसे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 8 में, व्हाट पावर ऑफ द लेंस विल चेंज द रीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर टू 0.25 मीटर, है ना। तो सिंपल से बात है, इसमें जो पावर क्या रखा है कितना का चेंज होगा, जो रीडिंग डिस्टेंस जो है 1 से 0.25 पे जा रहा है। तो सिंपल से बात, अगर मान लीजिए हम रीडिंग डिस्टेंस की बात करें तो पहले 1 पे था, है ना, तो यू हम मान लेते 1 मीटर पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनना चाहिए था जहाँ पे चेंज होगा तो दैट विल बी 0.25 मीटर पे इसका इमेज बनेगा, और ये भी वर्चुअल इमेज बनेगा ताकि ये लेंस एक्चुअली मैग्नीफाई कर पाए, मतलब ताकि ये क्लियरली दिखा पाए हमको इमेजेज, और जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बनेगा, तभी तो मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब इरेक्ट है तो इरेक्ट ही बनेगा, मतलब वर्चुअल केसेस का ही काम पड़ेगा, क्योंकि इरेक्ट ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनेगा तभी मेरा आँख इजीली वे में रेटिना को सेंस, रेटिना उसको सेंस कर पा करके ब्रेन तक सेंड कर पाएगा। तो यू माइनस वन भी दैट इज, तो हम एफ निकाल लेते हैं, एफ कितना होगा, तो बाय द लेंस फॉर्मूला व्हाट इज एफ, तो 1/f = हो गया आपको यहाँ से 1/v दैट इज 1/0.25, है ना, यहाँ से माइनस में और माइनस का 1, तो ये हो गया आपको माइनस का 1/1। तो इसका जो एलसीएम होगा, तो पहले एलसीएम के लिए से पहले हम इसका पॉइंट 2 0 हो रहा था, 2 0 आएगा ना, तो माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 100/25, ये मीटर में है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज़ व्हाट माइनस ये प्लस 1 ये आ गया आपको यहाँ पे, तो एक मिनट क्या आने वाला ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 8 में क्या रखा है, व्हाट पावर ऑफ अ लेंस विल चेंज द रीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर टू 0.25 मीटर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आज तक ये क्वेश्चन जो है मतलब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं लाइक दैट। तो इसमें देखिए एक बात आपको पता होगा कि सारे बात हमने आपको बताया है यहाँ तक, देखिए रीडिंग डिस्टेंस कहाँ से चेंज हो रहा है, यू दे रखा है 1 मीटर से जो चेंज हो रखा है दैट इज माइनस 1 एंड यू हो रहा है 0.25 मीटर, है ना, ये
यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, ठीक है यू। तो अगर चेंज की बात करें तो चेंज में कितना हुआ होगा, यू की बात कर लेते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात है, जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर की बात करेंगे तो फोकस कितना चेंज हुआ हम वो देख लेंगे किसी भी लेंस का। तो आपको एक बार पता होगा कि फोकस हमेशा जो लेंस का होगा एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही पॉइंट पर होता है, मतलब लेंस का क्या चेंज होता है, थिकनेस हमेशा, ताकि वो इमेज का डिस्टेंस हमेशा यहाँ से यहाँ फिक्स होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेंस से जो है इमेज जो बनेगा हमारे रेटिना पे, दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। तो देखिए आपको क्या मिल गया, मान लीजिए 1/f1 की बात कर लेते हैं। तो पहला केसेस में फोकस f1 था, तो दैट इज़ 1/v माइनस का 1/u, दिस इज बाई द लेंस फॉर्मूला। तो u मान लीजिए u1 था पहला केस में। दूसरा केस में 1/f2 की अगर बात कर ले तो 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u2, मतलब u1 से u2 हो गया। क्यों, देखिए आपको सबसे पहली बात क्या है कि चेंज कितना हो रहा है फोकल लेंथ का, ये हमको देखना है। v तो फिक्स रहने वाला है, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगा, v विल बी ऑलवेज सेम। तो देखिए अब आपको करना क्या है, ये आपके लिए हम एक काम कर देते हैं, 1/f1 माइनस का 1/f2 कर लीजिए कितना आ रहा है। तो ये करने के बाद आपको ये v से v कट जाएगा, u में चेंज जाएगा, कितना u आया, ठीक है, इससे आपको u निकलेगा। तो कितना u चेंज हुआ, u2 माइनस u1 कितना हो रहा है, मतलब ये u1 माइनस का 1/u2 कितना हुआ, ये आपको फाइंड कर लेना है। ये वैल्यू रख दीजिए आपको, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। तो f निकल गया, यू विल फाइंड f, आफ्टर f यू कैन फाइंड पावर, p इक्वल टू क्या, तो 1/f। तो ये हमको फाइंड करके आप कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है 1/f, ठीक है। तो जस्ट कमेंट मी, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर बताइए, हम इसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर देंगे पूरा, ठीक है। तो पहले बात आप कमेंट करके देखिए, देखिए एक्चुअली हो क्या है कि आप लोगों को वीडियो तो हम सारे क्लियर बना ही देते हैं लगभग, और थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम करके, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं, आप लोग बस देखते हैं, बस स्किप करके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करके बना रहे हैं। आप लोग बताइए कौन सा बुक का सोल्यूशन चाहिए, हम सारे बुक 9, 10, 11, 12 कोई भी बुक चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम सारे बुक कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने का। बट लेकिन होना क्या चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन समझते फिर। ठीक है, 9th क्वेश्चन दे रखा, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मतलब 0.2 मीटर। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात कर रखा है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज 0.20 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ रखा गया, इट इज़ प्लेस्ड इन द कंटेक्ट विद द कनकेव लेंस। अच्छा, इसको रखा गया कनकेव लेंस के कंटेक्ट में, ठीक है। और फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कम्बिनेशन, आल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन। तो सिंपल सा बात, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कनकेव है कन्वेक्स। तो पहले हम कन्वेक्स की बात करेंगे, तो कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है दैट इज व्हाट, ठीक है। कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ क्या रखा यहाँ पे, दैट इज 0.2 मीटर, है ना, 20। अब ये कन्वेक्स है तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, कनकेव का नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे f1 लिख लेते हैं, और f2 की बात करें तो f2 कितना है, 0.25 मीटर, है ना? ये नेगेटिव होगा, आपको पता है कनकेव और कन्वेक्स दोनों में अंतर होता है, एक का नेगेटिव होता है एक का पॉजिटिव होता है। तो इससे आपको क्या चाहिए था, पावर ऑफ कम्बिनेशन, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो क्या पावर होना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले नेट फोकल फोकस क्या होगा हम डायरेक्ट कर लेते हैं, नेट फोकस कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेट फोकस कितना होगा, इक्वल टू दैट इज, अब देखिए डायरेक्ट भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर आप 1/ निकाल लीजिए पी करके, ठीक है। तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर आएगा p1 इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ये 1 है, p1 इक्वल टू आएगा 1/20, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है। तो डायरेक्ट 1/ फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, दैट इज p इक्वल टू 1/f, मतलब 1/0.20, पॉइंट उड़ेगा नीचे में ऊपर 100 आएगा, ये 5। तो p1 कितना आ गया, 5 डॉप्टर प्लस में, ठीक है। ये p2 निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो p2 इक्वल टू आएगा आपको यहाँ से 1/0.25, ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 0 आएगा, ठीक है, 25 4 100, तो ये 4 डॉप्टर आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो p2 आ गया 4 डॉप्टर। तो p2 इक्वल टू यहाँ से 4 डॉप्टर मिल रहा है, ये भी निगेटिव में। तो नेट कितना आएगा, नेट पावर इक्वल टू p1 + p2, है ना, इसको ऐड कर लेते हैं, तो नेट पावर कितना आएगा वो देख लीजिए, p1 + p2 दैट इज 5d + 5d - 4d, है ना, दैट इज कितना हो गया d, 1d। तो यहाँ से जो नेट पावर आएगा इसका 1 डॉप्टर होगा, ठीक है। तो दैट विल बी 1 डॉप्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात पूछा गया यहाँ पे कि
नेचर क्या हो कम्बिनेशन का, इसका फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, पावर जो निकला हमको इसका फोकल लेंथ क्या होगा। आप क्वेश्चन था फाइंड नेचर एंड द फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, तो पी आ गया वन डाप्टर, ठीक है। तो पी अगर हमको मिल रहा है तो आपको पता होगा पी वन डी आ गया, तो एफ इक्वल टू क्या होता है वन बाई पी, क्योंकि पी इक्वल टू वन बाई एफ होता है, तो एफ इक्वल टू वन बाई पी हो जाएगा। ओके तो पी की बात वन है तो वन बाय वन आ जाएगा, दैट इज वन मीटर। तो एफ इक्वल टू आ गया वन मीटर। अच्छा एफ इक्वल टू वन मीटर, एफ पॉजिटिव है तो मतलब कन्वेक्स लेंस है, तो सो लेंस इज कन्वेक्स, यहाँ लिख सकते हैं द लेंस इज कन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टेंथ में, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, है ना। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है, इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, इसको कनकेव लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इसका दे रखा है, तो फाइंड द पोजिशन एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी वही बात है, पोजिशन और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो क्या करें हम यहाँ पे, सबसे पहले तो जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा हमको, तो पहली बात जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पहली बात हो गया। ओके डिस्टेंस क्या रहेगा, इसको ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो ये हो गया 15, है ना। कनकेव लेंस है तो लेंस हो गया आपको कनकेव, कनकेव लेंस का एफ क्या होता है नेगेटिव, आपको ध्यान रखना है। ओके तो पोजिशन साइज पूछा गया, तो सिंपल सी बात है, अब एच आई एच ओ पता है, यू पता है, तो इससे हमें वी कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अच्छा इसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है 10, ये भी दे रखा हमें, है ना। तो एफ इक्वल टू हो गया यहाँ पे माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ऐसा होता है, और ऐसा लेंस का जो फोकस होता है ये इधर होता है, ठीक है, और कन्वेक्स का फोकस जो होता है ये इधर होता है, तो इसलिए पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। आगे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए था, पहले बात तो हमें वी चाहिए, है ना। तो वी कैसे फाइंड करें, लेंस फॉर्मूला से। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला दैट इज वन अपॉन एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। ओके इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक वन अपॉन एफ वन बाई टेन, है ना, ये माइनस में है, इक्वल टू वन अपॉन वी की बात करें तो वन अपॉन वी यहाँ से रख लीजिए, और माइनस का वन अपॉन यू, तो वन अपॉन यू और माइनस में है, तो ये हो गया माइनस का 15 यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/10 इधर माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एक स्टेप और ले जाते हैं तो दैट इज प्लस 1/15 आ गया, और प्लस 1/15 इधर प्लस में इधर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक व्हाट 1/10 माइनस में आ गया, और इसको हम इधर कर ले इक्वेशन के, तो 1/15 होगा ये माइनस में, इक्वल टू 1/b यहाँ पे आ गया। इसका एलसीएम कितना आएगा 10 एंड 15 का, तो यू नो वेल ओवर इट 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो माइनस का 3 है ना, माइनस का 2 इक्वल टू 1/b। तो इफ़ यू डू लाइक वॉट -5/30, है ना, जो कि -5/30 जो कि आपको आने वाला है कटने के बाद 1/6, ठीक है। तो माइनस का 1/6 इक्वल टू 1/b आ गया, तो 1/b इक्वल टू माइनस का 1/6, इसको ऊपर दीजिए, v ऊपर जाएगा ना तो 6 भी ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6, है ना सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनने वाला है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, अब भी नेगेटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज बनता है, ये आपको पता है, लेंस की बात कर रहे हम अभी, है ना। अच्छा तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यू है एफ है पता, भी पता है, तो हम क्या निकालें यहाँ पे, इफ़ यू फाइंड वी आर गिवन दैट यू एंड भी, तो एम निकाल लेते हैं। एम का फॉर्मूला होता है ये एच आई अपन एच ओ इक्वल टू वी बाई यू, ये लेंस की बात करें लेंस में वी बाई यू होता है, मिरर में माइनस वी बाई यू, ये आपको ध्यान रखना। तो एच आई अपन एच ओ ये आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज तो पता नहीं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तद इज 2 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा भी कितना माइनस का 6, और यू कितना है, यू आप पहले यहाँ पे देख चुके हैं दैट इज -15, है ना, ये भी हो गया आपको 6 यहाँ पे, है ना। ओके तो ये माइनस का 15 है ना यहाँ पे, ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो कटने के बाद अगर बात करें तो ये 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 4/5, तो एच आई कोड कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4/5, तो 4/5 अगर 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, दैट इज 0.8 आएगा, ठीक है सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू दैट इज 0.8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पे।
आई थिंक ये बात आपको समझ में आया कि यहाँ से क्या आने वाला है। दो आंसर आएगा, एक तो आएगा यहाँ पे क्या कि वी कितना होगा -6 है ना, और एच आई कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज 0.8 सेंटीमीटर। ये दो आंसर पूछा गया था हमें क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट इट। एंड इस तरीके से आओगे एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है उसको। देखिए इसमें 11 क्वेश्चन दे रखा है, द पावर ऑफ लेंस इज -2 डॉप्टर है ना, इसका पावर -2 डॉप्टर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये सिंपल है ठीक है। तो पावर हो गया आपको -2 डॉप्टर ठीक है। हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, फोकल लेंथ। तो आपको एक बार पता होगा पी इक्वल टू क्या होता है, ये एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/p है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, 1/-2 ठीक है। तो मतलब 0.5, देखिए जो भी आएगा ये मीटर में आएगा ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ जब भी आएगा तो ये मीटर में आएगा, पावर से यूज करेंगे तो ये नेगेटिव आ गया। अच्छा पावर मीटर में सेंटीमीटर कैसे बदले, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो एफ इक्वल टू कितना होगा, 0.5 × 100 यू विल गेट इन सेंटीमीटर। 0.2 रहेगा तो एक जीरो तो आना ही नीचे, ये 0 0 कैंसिल होगा, 5×10^50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा दैट विल नेगेटिव में 50 सेंटीमीटर होगा ठीक है यहाँ पे। अच्छा एक बात आप बता सकते हैं लेंस कौन सा है, -50 सेंटीमीटर आया यहाँ पे ठीक है, तो इसका लेंस कौन सा होगा ठीक है, आप बताइए। तो इसमें लेंस कौन सा होगा ठीक है, हम आपके लिए छोड़ देते हैं सॉल्यूशन, इसका आंसर आप कमेंट में बता देंगे कि इसका लेंस कौन सा होगा ठीक, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार आपको बता चुके इसके बारे में, तो एक बार क्वेश्चन पूछना तो मेरा बनता है। तो आप बताइए क्या होगा आगे, क्वेश्चन क्या समझते हैं। 12th में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस, किस भी लेंस के पावर से आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर। तो कैसे हम निकाले, पावर दे रखा है यहाँ पे -5 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ दे रखा ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर है। तो एफ हो गया आपको -5 ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ इक्वल टू -5 सेंटीमीटर ठीक है। तो इसका हमको पूछा क्या गया यहाँ पे, पावर क्या होगा पहली बात। दूसरी बात पहले पूछा गया कि पावर होता क्या, इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर ठीक है। पावर को अगर डिफाइन करना पावर होता क्या है, तो आप कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। लेंथ इन मीटर मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ लेंस होगा ये फोकस का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन फोकस किस में होना चाहिए, फोकल लेंथ जो है दैट शुड बी इन मीटर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर ले, पावर आ गया मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ये मीटर। तो पावर हमें क्या करना, कैसे फाइंड करना। तो सबसे पहले आप तो सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एफ इक्वल कितना होगा, -5/100 सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, दैट इज -1/20 मीटर। अब पावर निकाल लेते हैं, तो पावर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी इक्वल क्या होता है, 1/f ठीक है। तो 1/1/20, ये 20 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज -20 डायोप्टर। तो पी कितना हो गया यहाँ पे, -20 डायोप्टर। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे फाइंड करना है इसका वैल्यू ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझते हैं। तो इसमें देखिए दे रखा 13 क्वेश्चन है, गिवन दैट यहाँ पे x=1/u एंड y=1/v एंड z=1/f, ये तीनों दे रखा आपको यहाँ पे। अब तीनों के बारे में क्या कहा गया है ठीक है, इस तरीके से हमें कहा गया है, वेयर यू वी एंड एफ आर स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये आपको पहले से पता होगा एक लेंस के बारे में क्या रखा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन वाई वर्सेस एक्स एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ बनाना है तो हमको एक बात आपको पता होना चाहिए, इसको हमको नंबर में जो गिवन है उसको हिंट्स में भी दे रखा है, इसको हम समझा देते हैं। 1/v, 1/v की जगह वाई दे रखा है ठीक है, आपको देख लीजिए 1/v इक्वल टू वाई दे रखा है, 1/u की जगह एक्स दे रखा है ना, और 1/f की जगह जेड दे रखा है। ये सारे वैल्यू पुट कर दिए लेंस फॉर्मूला में, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f होता है लेंस फॉर्मूला में। तो पुट करने के बाद वाई -x इक्वल टू जेड हो गया, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड ये आपका आ गया। आपको एक चीज़ पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ठीक है, ये किसका 9th क्लास में आप देखे होंगे कि किसी ग्राफ का जो फॉर्मेट होता है y=mx+c, ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और यहाँ m क्या स्लोप है, m इज व्हाट, m हो गया स्लोप ठीक है। तो m स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है ठीक है, यहाँ पे m हो गया आपको
टेन थीटा, ये बात आपको पहले से पता होगा। तो अब y इक्वल टू यहाँ पे x प्लस जेड आ गया, ठीक है। तो z एक कांस्टेंट टर्म है c, ठीक है, आपको ध्यान रखना है y इक्वल टू x प्लस जेड। तो अब देखिए x की बात करें यहाँ पे, तो x अगर अकेले होता y इक्वल टू x होता तो जो ग्राफ बनता वो यहाँ से बनता, ठीक है, ऐसा बनता कुछ ग्राफ ऐसे बीच से, क्योंकि यहाँ पे x के साथ वन लगा हुआ है। वन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब हो गया टेन वन कब होता, 45 पे होता, ठीक है। तो ये वन होता टेन 45 पे, तो थीटा 45 से जाएगा तो ये एंगल जो है यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा, 90 से के बीच से जाएगा, ठीक है, 45 45। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ जेड है, जेड है तो मतलब कुछ वैल्यू बढ़ रहा है इसके साथ, तो बढ़ रहा है तो ये ग्राफ जो होगा थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा। कितना ऊपर शुरू होगा, ये थोड़ा सा ऊपर, कितना, ये जेड है यहाँ से यहाँ जेड तक थोड़ा ऊपर होगा। तो जेड का वैल्यू क्या है, 1/f है। तो ये इंटरसेप्ट हो गया, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे है 1/f, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जेड जितना बड़ा है उतना ऊपर, अगर ये वैल्यू यहाँ से कुछ ऐड हो रहा है इसमें तो ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होता तो थोड़ा नीचे आता है। तो ये अलग अलग वैल्यू इसमें जो है क्या हो रहा है, ऐड क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपको देखना है। अब इसमें जो कह रखा द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ओ पी ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट जेड विच इज इक्वल टू 1/f, इन अदर वर्ड्स ओ पी रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यही बात है कि 1/OP जो होगा दैट इज फोकल लेंथ यहाँ से, है ना। तो ओ पी की बात करिए, ओ पी है ना यहाँ से, यहाँ एफ यहाँ से आ गया। तो ये जो है एफ की बात, ये जो है जेड इंटरसेप्ट, ठीक है, तो यहाँ से हम बन रहा है। तो ओ पी जो होगा दैट इज इक्वल टू ये फोकल लेंथ यहाँ के बराबर होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे जेड जो है जेड इंटरसेप्ट की अगर बात कर ले तो थोड़ा सा बड़ा होगा, दैट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ से 1/OP जो होगा ये फोकल लेंथ होगा। तो सीधी बात है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फोकल लेंथ होगा दैट इज जेड इक्वल टू 1/f। तो ये आपका 1/OP, अगर बात करें 1/OP मतलब क्या हुआ, 1/1/f, तो ये फोकल लेंथ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें जो क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था कि स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो स्लोप जो होगा यहाँ पे 1/OP होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो m है दैट इज 1 है यहाँ पे, है ना, टेन थीटा 45 हो गया। तो नॉर्मली अगर बात करें तो ये टेन थीटा और टेन 45 की बात कर रहा है, ठीक है, और y की बात करें तो ये मतलब टोटल जो वैल्यू है कितना ज़्यादा है यहाँ से आपको आएगा, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ओपी जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा जेड को, है ना। तो ये यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन दे रखा है 14 में, क्वेश्चन क्या देखिए, द कन्वेक्स लेंस पावर 10T इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। एक कन्वेक्स लेंस है, इसको 10 डायोप्टर के दूरी पे, मतलब ये इसका फोकल लेंथ जो है, ठीक है, उस आएगा ये पावर से। तो ये पावर दे रखा 10D है, सिंपल सी बात है। हमको कहा गया कि इसको रखा गया किसी वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ठीक है, रखा गया, ओके। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज द इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो पूछा कहा गया यहाँ पे कि ये कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखे कि एक रियल इमेज बनेगा वॉल पे। तो देखिए सिंपल सा बात समझने की अगर बात करें तो यहाँ पे एक कंडीशन कहना क्या चाह रहा है, कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक वॉल है यहाँ पे, इसके कुछ दूरी पे रखा गया होगा। वॉल कितना दूरी है, वॉल 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया, मतलब ये वॉल है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब पावर जो है दैट इज 1/10D है, वैसे पॉजिटिव होता है, सॉरी 10D नहीं है, ये 1/10D नहीं, 10D है ना, 10D है, ये हो गया पावर। इसे तो हमको फोकल लेंथ पता चल जाएगा, ये V हो गया यहाँ से यहाँ, क्योंकि बनेगा वॉल पे, है ना, ये वॉल है तो वॉल पे इमेज बनेगा, तो मतलब V हो गया 12, तो V इक्वल टू आ गया 12। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज बनेगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए U डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है, U क्या होगा ये फाइंड करना में, अच्छा P पता है आपको, इससे तो F निकल जाएगा, P इक्वल टू 1/F होता है ना, या फिर F इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से हम निकाल दें तो F इक्वल टू 1/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया P इक्वल टू 1/F इक्वल टू 1/P हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर 1/10 ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो F जो आएगा हमेशा यहाँ पे मीटर में आएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू हो गया 1/10 मीटर। इसको हमको सेंटीमीटर बनाना है तो क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/10 इंटू 100, ठीक है, ये जीरो जीरो कट गया तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो F आएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर आएगा, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे F 10 सेंटीमीटर आ गया।
अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एफ आई है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एफ पता है, ठीक है, प्लस में होगा एफ, ये पता है आपको। एफ पता चल गया हमको और वी पता चल गया, तो इससे हम यू निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे यू निकालें, हम यूज़ कर लेंगे लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ओके, तो ये फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज विल गेट 1/f कितना 1/10 इक्वल टू 1/v कितना, तो ये आपको भी पता है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/12 माइनस का 1/u पता नहीं, 1/u ठीक है, तो 1/10 माइनस का 1/12 क्योंकि 12 इधर का माइनस में इक्वल टू माइनस का 1/u। यहाँ से एलसीएम 10 और 12 कितना होगा, ठीक है, आई थिंक 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 12 का 6 माइनस का 5 इक्वल टू 1/u माइनस मेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर ले, तो 1/60 इक्वल टू 1/u माइनस में u कितना होगा, दैट इज 60, तो u इक्वल टू आ गया आपको यहाँ पे -60 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया था, पूछा गया था कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखे, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना। तो क्या बनने वाला है यहाँ से, ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर के दूरी पे वॉल पे इमेज बन जाएगा रियल, ठीक है। तो ये बात कहा गया था क्वेश्चन में, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को इजीली वे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, अ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, दैट इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन। तो क्या रखा है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको रखा कहाँ गया है, कन्वेक्स लेंस से, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस है, सिंपल सा बात है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है 25 पे, तो मैग्नीफिकेशन पूछा गया। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे जो गिवन चीज़ है उसको डेटा को हम नोट कर लेते हैं। पहला डेटा क्या है यहाँ पे, तो पहला डेटा दे रखा है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, सॉरी माइनस का थोड़ी होगा यहाँ पे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा यहाँ पे क्योंकि कन्वेक्स है, तो एफ होगा यहाँ पे प्लस का 5, ये प्लस में है, ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना दूरी पे रखा गया, वर्चुअल इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो वी हो गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल इमेज होगा तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव होता है वर्चुअल में, ये आपको समझना है। सॉरी लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस में वर्चुअल क्या होता है, ये निगेटिव में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेंस में वर्चुअल इमेज इधर बनता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा, तो ये निगेटिव होता है, ठीक है, तो ये -25 हो गया, ओके। एफ हो गया 5 क्योंकि इसका देखिए फोकल लेंथ इधर होगा, इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, एफ 5 b 25 माइनस में। तो व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, तो पहले हमें क्या चाहिए, यू भी तो चाहिए मैग्नीफिकेशन के लिए, है ना, तो यू पहले निकाल लेते कितना आएगा, ठीक है। तो यू निकालने के लिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u, है ना, यहाँ पे तो 1/f कितना हो गया 1/5, 1/v कितना हो गया 1/25 माइनस में, है ना, और माइनस का 1/u, ये इधर आएगा 25 इधर, तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/5 है ना, और प्लस का 1/25 इक्वल टू माइनस का 1/u। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, तो 25 और 5 कैल्शियम 25 होगा, ठीक है, 5 प्लस का 1 माइनस का 1/u, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या होने वाला है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या सब आ रहा है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट हो गया 5 + 1 = 6/25, तो 6/25 इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस का 1/u, देखिए प्लस में माइनस नहीं है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो उलट जाएगा, उलट जाएगा, मतलब कितना कि u इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन को इधर दे दीजिए, तो माइनस का 25/6, माइनस का 25/6 आ गया u का वैल्यू, तो विल गेट यू इक्वल टू -25/6। हमें पूछा क्या क्या था, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन होता है v/u लेंस के लिए, तो v कितना है यहाँ पे, v है 25, है ना, तो माइनस में 25 है v, है ना, तो माइनस का 25 आ गया, अपन u कितना है, u की बात करें तो -25/6 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट गया, तो बचा कितना 6, तो m आपको आ गया प्लस का 6। वैसे भी m प्लस 6 आने का रीजन क्या है, ये बन रहा है वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो m = +6, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो मैग्नीफिकेशन हो गया आपको उसका 6। तो इसमें कोई डाउट्स है तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइए क्या डाउट्स आ रहा है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। ओके तो क्वेश्चन नंबर दे रखा हम 17 में क्या है, ठीक है। ओके तो 16 पहले 16 देख लेते क्वेश्चन। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पोजिशन नेचर पूछा गया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज पूछा गया। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है एंड 10 सेंटीमीटर इसके सामने रखा गया है। तो देखिए क्या क्या हमको गिवेन है यहाँ पे, तो जो कंडीशन गिवेन है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी बात 10 सेंटीमीटर इसके सामने रखा है, तो ये हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके और ये बना क्या रहा है यहाँ पे, रियल और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ जो है यहाँ पे मिरर दे रखा कौन सा, ये लेंस है कन्वेक्स, तो 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एफ कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, तो इधर बनेगा फोकल लेंस, अब फोकल इधर बनता है जिसका पॉजिटिव होता है। तो ये आपको हर बार डायग्राम बना के हम बता रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई डाउट्स क्लियर, मतलब डाउट्स इसमें नहीं आवे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें दे रखा है यहाँ पे कि निकालना है हमको क्या, यहाँ पे भी भी के बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो 1/f = 1/b माइनस 1/u, ये हो गया आपको लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा, 1/f का वैल्यू तो हमें 1/6 आ गया, 1/b हमें पता नहीं है, है ना। और u की बात करें तो u हो गया माइनस का 1/u, ये हो गया 10, माइनस में होगा यहाँ से। ओके तो 1/6 वन स्टेप मोर इसको हम ले जाता आगे, प्लस हो जाएगा 1/10, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 इधर आएगा तो माइनस में आएगा 1/6 माइनस का 1/10, ठीक है, इक्वल टू 1/b। अच्छा 10 एंड 6 कैल्शियम कितना होगा, 30, तो 5 का माइनस 3 इक्वल टू 1/b, ठीक है। तो अच्छा 5 माइनस 3 दैट इज 2/30, 2/30 इक्वल टू 1/b। अच्छा ये कट जाएगा यहाँ पे तो 1/15 आएगा, है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी इक्वल टू आ गया आपको 15 सेंटीमीटर। अच्छा 15 सेंटीमीटर ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, या माइनस में आ रहा है कैसे पता चलेगा, तो सिंपल से देख लीजिए। आपको यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या होगा कि ये रियल बन रहा है वर्चुअल, तो ये रियल बनेगा। बी जब भी प्लस में होता है तो आपको ध्यान रखना रियल बनता है, ठीक है। तो सारे केसेस आपको याद रखने, ठीक है, कैसे केस क्या क्या है वहाँ पे, है ना, केस क्या क्या मतलब 6 केसेस था कनकेव का इसमें लेंस में, है ना, ये मिरर में जो है पहले आपको 6 केसेस था कनकेव में, 2 केस कन्वेक्स में, और लेंस में फिर आपको कन्वेक्स में 6 केस है ना, और 2 केस कनकेव का है। तो ये आपको सारे इमेज डायग्राम का फॉर्मूले या फिर उसका केसेस याद रखने हैं, ताकि ये आप इजीली वे में इमेज को समझ पाएँ। तो B15 का मतलब रियल होने वाला है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं B15 है। ओके अब रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल जब भी हो तो इन्वर्टेड होता है, और रियल हो गया इन्वर्टेड होगा, और फिर क्या होगा, अच्छा जब भी होगा तो लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, सिंपल सा बात है, एक तरफ ही मतलब ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज होगा। अच्छा इसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना था, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, हाइट ऑफ इमेज निकालना था। तो ये H I/HO होता है इक्वल टू B/U होता है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हाइट ऑफ इमेज तो पता नहीं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बी की बात करें B15 है, एंड यू की बात करें तो यू इज व्हाट, यू जो है यहाँ पे दैट इज गिवन टू अस, ये यू -10 है ना, तो -10 रख लेते हैं यहाँ पे, ये कर जाएगा 2 टाइम, है ना। तो 15/2 मतलब 7.5 होगा, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनने वाला, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 ही है, इमेज बन गया 7.5, मतलब इमेज बड़ा बन रहा है, दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। ओके लेट्स सॉल्व ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे, 17 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है डिस्टेंस से 100 सेंटीमीटर, कहाँ से, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ 40 है, तो पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, व्हिच डिफेक्ट ऑफ द आई कैन रिमूव बाय दिस टाइप ऑफ लेंस।
तो ये सारे इसमें दे रखा है, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो पता है कौन सा डिफेक्ट में यूज होता है ये लेंस, लेंस कौन सा यहाँ पे कन्वर्जिंग मतलब कन्वैक्स लेंस होता है हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पे यूज किया जाता है। पावर क्या, तो पावर वन वाइफ होता है, एफ निकल के वन वाइफ निकाल लीजिए, ये आ गया मीटर में, एफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जो बना हुआ है हिंट्स में दे रखा है, इसको हम समझा देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू दे रखा है यहाँ पे माइनस टेन हो गया, ठीक है ओके, तो यू हो गया माइनस टेन, एफ हो गया 40, तो आपको निकालना क्या है वी। तो वी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, तो इसमें हम आपको वी निकाल दिए, दैट इज 66.7 आ गया, ये भी आ गया। पावर होता है यहाँ पे वन अपन एफ, एफ होना चाहिए मीटर में, ठीक है, तो 40/100 करके ये निकाल लिया है, या फिर 100/40 पहले कर लीजिए बाद में 100 डिवाइड कर लीजिए, तो 2.5 डिवाइडर एफ, क्योंकि इसका देखिए पावर पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसका एफ पॉजिटिव होता है, इसका एफ हो गया, ये एफ पॉजिटिव होता है तो पी पॉजिटिव आएगा, तो ये 2.5 डिवाइडर आ गया। अच्छा जब भी बात करें यहाँ पे वी, वी पॉजिटिव आया तो रियल इन्वर्टर बनेगा इमेज, ये कौन से डिफेक्ट में काम आता है, ये कन्वेक्स लेंस जो है ये हाइपरमेट्रोपिया में आता है, तो कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो दैट इज़ यूज टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो डिफेक्ट होता है मतलब ऑब्जेक्ट आदमी को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, जिसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, और ये पूरे हम बता चुके हैं थ्योरी पार्ट में, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इसको एक बार क्लियरली देखिए, जो डाउट्स होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम आगे इसको अगेन नेक्स्ट टाइम जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी आपका डाउट्स है उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।